सुकू भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सुकू भाई, पाकिस्तान टीम बिलाखिर रवाना हो गई है, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। इस टीम में इंडिया में खेलने का तजर्बा रखने वाला शायद ही कोई हो, और टीम में ना, हाँ एब्सोल्युटली, इसलिए इन्हें प्रेशर का आइडिया भी नहीं होगा। आपकी नज़र में प्रेशर का आइडिया ना होना एडवांटेज हो सकता है या डिसएडवांटेज भी हो सकता है? या देखिए, पहले तो सबसे पहले मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि हम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर करके कि हमें वीज़ा दो। ये पीसीबी ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया एज अ पाकिस्तानी। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी कि क्या हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को, कि हमें वीज़ा दो। इससे अच्छी पॉलिटिक्स हो नहीं सकती थी। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्रिकेट बोर्ड को पॉलिटिक्स खेलने नहीं आती। मना कर देता कि ठीक है, खामोश बैठा रहता। जब वो देर में देते तो आप भी देर में जाते, एक आधा मैच मिस करते तो मज़ा तो जब आता ना, इनको पता चलता इंडिया को, आप पैरों पे गिर गए, हमें वीज़ा दो। भाई वो आपको नहीं बुला रहे, आप क्यों लोगों के पैरों पे गिर रहे हैं? खैर एनीवे, ये तो बात हो गई, वो पहुँचेंगे आपके लिए। प्रेशर होगा कि नहीं होगा? देखिए, प्रेशर तो होगा, इन बच्चों को आइडिया नहीं है, और वहाँ पर जो है जो इंडियंस हैं वो इन पर बड़ा मतलब है कि हुटिंग भी होगी, शोर भी उठेगा। कई दफ़ा ऐसा, मैं खुद ग्राउंड में मौजूद था जब के पूरे ग्राउंड को बंद करना पड़ा, सब लोगों को बाहर निकालना पड़ा, ये सारी सिचुएशंस मैं देख चुका हूँ। तो भारत के अंदर ये सब कुछ होने के लिए सब तैयार हैं, आवाज़ें लगेंगी, इनके ऊपर बहुत कुछ होगा। तो ये प्रेशर जो है, आई डोंट नो कि ये संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे, मगर इसमें एक चीज़ ज़रूर अच्छी होती है कि अगर इस प्रेशर में आप परफॉर्म कर दें ना, तो फिर तो आप सातवें आसमान पर पहुँच जाते हैं, और अगर आप नहीं संभाल सके इस प्रेशर को तो फिर आप बिल्कुल नोज डाइव करेंगे। तो देखते हैं कि ये बच्चे जाकर इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। नहीं नहीं, अच्छा, इन प्रिंसिपल सिकंदर, मैं भी एग्जैक्टली यही कह रही थी, और मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करूंगी कि हम क्यों पीछे पड़े रहते हैं। भाई दुनिया की टीमें जब आ रही हैं, नहीं पानी चाहिए थी। हाँ एग्जैक्टली, रिक्वेस्ट क्यों पाई आने, तो मतलब बैठे रहो फिर चुप करके, क्योंकि बाकी भी तो दुनिया की टीमें आ ही रही हैं और सारों को वीज़े मिल रहे हैं और हम साथ जुड़े हुए उनके, वी आर द नेबर्स, हमें क्यों इतना एंड में बुला रहे हो? बट एनीवे, चलें अब तो ये सब कुछ हो गया, सो छोड़े उनके वीज़ों की बात। अभी जो बेचारे फैंस जाना चाह रहे थे उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है इस चीज़ में। सो इन दैट सीन, अब ये होगा कि स्टेडियम्स में पाकिस्तानी फैंस वगैरह तो होने नहीं वाले, इस किस्म की कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल के अभी हम देखेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो क्राउड होगा वो वहाँ सपोर्टिव होगा, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उसमें, उस तनाजर में आपको कैसी नज़र आ रही है? ये मतलब ये बड़ा मैटर करता है। नहीं, ऐसा कोई खास, देखें अब जो अगर वो वीज़े मिल भी जाते हैं, वो हमारे फैंस और रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट चले भी जाते, तो वो कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर वाली बात होती, वो तो नज़र भी नहीं आते कहाँ बैठे में क्या है, वो क्या उनको सपोर्ट करते। वहाँ के लोकल फैंस जो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहते हो, तो वो अगर सपोर्ट करते तो अलग बात है, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई वहाँ पर इनके ना जाने से फैंस वगैरह के कोई फ़र्क पता ही नहीं लगता। जितनी मैंने वहाँ पे क्रिकेट खेली है, इतना शोर होता है, इतना वो जो है अपना उनका एक है, वो बाजी भी घंटियाँ बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ पर, तो उधर अगर फैन होते भी तो पता नहीं चलता, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान को वार्म अप मैचेस के बाद कम से कम 9 मैचेस तो वर्ल्ड कप के खेलें, ये तवक्को रखना कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बने और सब खिलाड़ी सब मैच खेलें, ये आसान नहीं होगा। तो आपको हमारी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी लग रही है कि कुछ मसला हुआ या किसी को आराम देने की ज़रूरत पड़ी तो सब ओके ही रहेगा? देखिए, ये जो टीम है ये बाबर की पसंद की टीम है, और ये बहुत अच्छा किया गया कि उनकी पसंद की टीम उनको दे दी गई, अब उनका काम है। उन्होंने कहा हमने बहुत गलतियां की, हमने अपनी गलतियों से सीखा, एशिया कप में तो देखते हैं कि उन्होंने अब क्या सीखा है। अब ये जो दो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, ये नहीं पता कि उसके प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं। प्लेइंग कंडीशंस का मतलब ये है कि क्या 12 लड़के खेलेंगे और बाकी लड़के बाहर बैठे, या सब बैटिंग कर सकते हैं और सब बॉलिंग कर सकते हैं। ये कई दफ़ा इस किस्म के वार्म अप मैचेस में इस किस्म की प्लेइंग कंडीशंस दोनों कप्तान मिलकर बनाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनको चाहिए कि देखें, ये मेरी एडवाइस है, सजेशन है, वे साइड गेम्स खेलें, प्रैक्टिस गेम्स खेलें, अगर कोई 50 कर लेता है तो उसको वापस बुला लें, जो 50 करे उसको वापस बुलाएं, दूसरे के ऊपर बुलाएं। ये ना करें कि जी वो फ़खर जो है उससे 50 करनी है, अब उसको 100 करने चाहिए। नहीं, आप लड़कों को प्रैक्टिस देने के लिए एक एक को अगर वो 50 करता है तो उसको वापस बुलाएं, अगले को भेजें, फिर वो 50 करता है उसको बुलाएं, अगले को भेजें, ताकि सारे लड़कों को खेलने का मौका मिले। इसी तरह बॉलिंग के अंदर आप डिसाइड कर लें कि अगर वो 6 लड़के बॉल कराने हैं तो हर एक से बॉल कराएं, हर एक से 5-5
फॉरगेट अबाउट विनिंग और लूजिंग. आप ये कह देंगे कि हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, वी गोइंग टू गिव प्रैक्टिस टू एवरीवन, हर एक को पांच पांच चार चार ओवर करना है, दिस इज हाउ यू गोइंग टू प्रैक्टिस. और जो उनकी अपनी टीम है जो उनके दिमाग में बैठी हुई है बाबर आजम साहब की, वो खिलाएं और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा अच्छा होगा तो हम सब उनको हार बनाएंगे, अगर अच्छा नहीं निकला तो ऑब्वियसली. सिकंदर थैंक यू सो मच.